हेलो दोस्तों, आरके एसएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के दिन बात करें तो मार्केट नॉर्मल था, बैंक में काफ़ी गिरावट देखने में। आज का टॉप गेनर देखते हैं कि आज कौन कौन से स्टॉक में तेज़ी देखने मिली। तो शायद से कल भी वही स्टॉक में तेज़ी देखने मिलेगी, और कौन से स्टॉक कल के दिन नहीं परफॉर्मेंस करेगी उस पर भी हम फोकस रखेंगे। तो आज मैंने दो वीडियो डाले, उस पर आप जरूर देख लीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उस बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के दिन बात करें तो सेंसेक्स 58,296 पे स्टेबल हुआ, लगभग 166 पॉइंट की तेजी देखने मिली। वही बैंक में 36,592 स्टेबल हुआ और लगभग 170 पॉइंट की गिरावट देखने मिली। वही 54 पॉइंट की तेजी देखने मिली निफ्टी 50 में, लगभग 17,377। वही मिड कैप में 108 पॉइंट की 118 पॉइंट की तेजी देखने मिली, लगभग स्टेबल हुए 29,178। अब बात करते हैं आज कौन से स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने मिली। तो आज के दिन लगभग विप्रो में आज के दिन तेज़ी देखने मिली। तो मैंने विप्रो के बारे में बोला था, मैंने वीडियो बनाया था, लगभग 500 रुपये पे 400 रुपये पे भी मैंने वीडियो बनाया था कि ये 700 जा सकता है, क्योंकि अभी आईटी सेक्टर में काफ़ी तेज़ी आ रही है। तो आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट हो रहे भारत देश में। तो एचसीएल टेक में मैंने आपको बोला था 1170 का लेवल क्रॉस होएगा तो बहुत भयंकर तेज़ी आ सकती है। तो 1200 तो पार कर चुका है, तो कल के दिन फिर से यही तेज़ी रिकवर होगी। तो इन्होंने नया हाई बनाया है। तो इंफोसिस में भी मैंने आपको 1300 पे था, तभी मैंने आपको रेकमेंड किया था बिंदास लॉन्ग टर्म के लिए, आप रेकमेंड कर दिए। मैं प्लीज़ कितनी बार बोलता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उस पर मैं थोड़ी फोकस और एनालिस करके ही आपको रेकमेंड करता हूँ कि ये जरूर बाय। ज़्यादा शेयर नहीं लीजिए, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा डाल दीजिए। आप देखिए, उस पर फोकस रखिए एक दो दिन, फिर उसके बाद जाके आप बाय कीजिए। ऐसा नहीं आज मैंने वीडियो बनाया कल तुरंत डाके डाल दिया और फिर गिर गया, फिर आप बोलोगे अरे तुमने बोला था इसके लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूँ कि आप फोकस करो, आपको लगा कि ये स्टॉक और आगे जाएगा तो आपको ज़रूर 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 बाई करना चाहिए। तो विप्रो के ऊपर मैंने बोला था, एचसीएल टेक के ऊपर बोला था, इंफोसिस के ऊपर बोला था, और बहुत सारे आईटी सेक्टर मैंने रिकमेंड किया था। और आज के दिन कौन सा स्टॉक तेजी मेरा, तो आज का दिन IRCTC 3000 का ऊपर आ चुका है। तो इसका एक ही रीज़न है, जब तक स्प्रेड होएगा नहीं तब तक ये अपने आप को काफ़ी तेज़ भागाते रहेगा। वैसे पॉलीटेप में भी वही आज के दिन तेज़ी, मैंने आपको बोला था ना, जब तक स्प्रेड से रिलेटेड न्यूज़ आता नहीं तब तक तेज़ी देखने मिलेगी। एफएल इंडिया में भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, एफएल इंडिया का वीडियो बनाया था, उसमें भी स्प्रेड एक से बदले 5 शेयर मिलेंगे, IRCTC में एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे, पॉलीटेप में एक के बदले 2 शेयर शायद से अनाउंस कर सकता है, कंफर्म नहीं हुआ है अभी भी। तो ये भी स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ है और इसके कारण काफ़ी तेज़ी इसमें दिख रही है। और कौन सा स्टॉक है, तो मैंने टेक में जब भी 1000 पे था तभी मैंने आपको रेकमेंड किया था, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है माइंड ट्री, बिंदास लगाइए आग बन करके, सबसे अच्छा स्टॉक माइंड ट्री है, काफ़ी अच्छा मैं रेकमेंड किया था आपको। IT का कोई भी स्टॉक आप ले तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर ले, तो आपको पैसा उसमें ज़रूर बना के देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉप लूज़र की। तो टॉप लूज़र है मदरसन स्वामी, ट्रेंड फार्मा, फिर सीमेंस कल के दिन तेज़ी ज़रूर देखेगी। दोस्तों ज़रूर देख लेना, 1100 का स्टॉक आज मैंने आपको रेकमेंड किया था, लगभग 1500-1700 के था तभी मैंने आपको रेकमेंड किया था कि ये बहुत आगे जाएगा। तो सीमेंस भी आज देखिए 2233 पे स्टेबल हुआ, तो काफ़ी अच्छा गिरावट इसमें भी देखने नहीं मिली है, फिर भी अगर गिरावट देखने मिला 2000 तक तो आप ज़रूर बाय कीजिए। ठीक है, और कौन सा स्टॉक है, टाटा पावर, मैंने आपको रेकमेंड किया था कि मिनिमम 100 स्टॉक आप टाटा पावर का जरूर लेके रख लीजिए कि फ्यूचर में ज़रूर आपको काम आएगा। एंड बाटा इंडिया, बाटा भी अभी बारिश का सीजन गया, बाटा अभी कुछ नहीं। फिर मैं बस यही है आज टॉप का लूज़र। तो रेकमेंड दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे स्टॉक मैं बताता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हालाँकि मैं मानता हूँ कि अपने शेयर मार्केट में इतने लोग नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ सिमिल सी आवाज़ के 2 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके, लगभग उससे मालूम पड़ता है कि मार्केट में 6 करोड़ के रिटेल इन्वेस्टर है, तो काफ़ी कम है और आने वाले समय पे बहुत सारे लोग आने का इंटरेस्ट लेंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, शेयर मार्केट आपका दिमाग का खेल है, आपका मेहनत है, आपका स्किल है, आपका स्किल सबसे अच्छा किसमें है, शेयर मार्केट में आपका स्किल है तो आप अच्छा मुनाफा लेके जा सकते हैं। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलता, आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो कॉल ऑप्शन लीजिए या पुट ऑप्शन के लिए कमेंट्री मार्केट है, आज बहुत सारी चीज़ ऑप्शन आपके लिए खुल चुका है ऑनलाइन,
तो आप इन्वेस्ट कीजिए, डरिए मत, क्योंकि आप बैंक में डालने से पैसा बैंक कल उड़ गया तो कुछ फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा आप इसी में इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको ही फ़ायदा रहेगा। लगभग आपको मिनिमम कम से कम 20 से 30 हज़ार आपको ऐसा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, समझ लो आपका डूब गया या जो हो गया मिनिमम या मिला नहीं। हमारे लाइफ में बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई फ्रॉड होता रहता है, कोई दोस्त पैसा लेके चले जाता है कोई। तो ऐसे दोस्तों ये पर्सनली बातें, मैं तो बस ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पैसे को सेव इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो